इतना महत्वपूर्ण पद होता है, सभी ब्यूरोक्रेसी में सबकी चाहत होती है कि इस पद पे आए। आप आए हैं, बड़ी जिम्मेवारी, आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि आपका प्रशासनिक अनुभव बहुत है, लेकिन इस कुर्सी पे आने पे आप क्या देख रहे हैं, कैसे प्रदेश को आगे लेके जाएंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि प्रत्येक पद सरकार के अधीन महत्वपूर्ण होता है और प्रत्येक पद में जनहित करने की और शासन की नीतियों को लागू करने की संभावना होती है। शासन के लिए चाहे मुख्य सचिव का पद हो या चतुर्थ श्रेणी का पद हो, सभी पद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सभी को अपने दायित्व का निर्वहन करना होता है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के इस परिवार का मुखिया होने के नाते मेरा प्रयास होगा कि पूरा परिवार शासन की नीतियों को लागू करने के लिए और प्रदेश की जनता के हित में योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए पूरी लगन से, पूरी तत्परता से जुट जाए और इसमें सहयोग करें। मेरा भी प्रयास होगा कि शासन की नीतियों को अधिकाधिक रूप से उसका लाभ जनता को मिले, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। सर, मौजूदा सरकार का लगभग आधा साल निकल गया है, जो तमाम फ्लैगशिप योजनाएं हैं, महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, अब उनको आपको आगे लेकर के जाना है। आपने क्या प्रायोरिटीज तय कर रखी हैं? आपने सोचा है कि इसको कैसे आगे लेके जाना है? मुख्यमंत्री जी जो सोच रहे हैं, उनके उनका विजन है, चाहे इन्वेस्टर्स समिट रहा हो, आपने उसको भी देखा है, आपने क्या कुछ ऑर्डर तय किया है, किन चीज़ों पर हमको ज़्यादा काम करना है आधे वक्त में? विगत 2.5 वर्ष में बहुत ही उल्लेखनीय उपलब्धियां प्रदेश सरकार के द्वारा की गई हैं और लगभग प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे शांति व्यवस्था रखने की बात हो, चाहे औद्योगिक निवेश को प्राप्त करने की बात हो, चाहे गाँव में किसानों के हित की बात हो, मजदूरों के हित की बात हो, श्रमिकों के हित की बात हो, चाहे कुंभ मेले जैसे आयोजन हो, चाहे प्रदेश को ODF बनाने की बात हो, चाहे बिजली के कनेक्शन देने की बात हो, चाहे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की बात हो, इन सभी में बहुत अच्छा कार्य हुआ है और ये सब ऐसी बातें हैं जो सीधे सीधे जनता को प्रभावित करती हैं। तो मेरा प्रयास होगा कि जनता की आमदनी में वृद्धि हो, रोजगार के अवसर यहाँ मिलें। जो इतने अच्छे प्रस्ताव हमारे इन्वेस्टर समिट के माध्यम से आए हैं वो फलीभूत हों और उसका लाभ पूरा प्रदेश को मिले। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारियों के बॉस हैं, तो उनकी भी तमाम समस्याएं रहती हैं, शासन की योजनाओं के साथ साथ कर्मचारियों का ध्यान रखना, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, कई जगहों पर वेतन विसंगतियां हैं, इन सब चीज़ों आप कर्मचारियों को खुश करना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, ये कर्मचारी नहीं मानता हूँ मैं तो अपने परिवार के सदस्य मानता हूँ उनको, और उसका मुखिया होने के नाते उनके हर सुख दुख में उनका हमेशा मैं भागीदार रहना चाहता हूँ। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मेरे लिए प्रत्येक पद महत्वपूर्ण है, मेरे लिए चतुर्थ श्रेणी का भी हमारा व्यक्ति, हमारा जो सदस्य है, क्योंकि परिवार के मुखिया के लिए कोई भी सदस्य कम महत्व का नहीं होता है। तो मेरे सभी, चाहे अधिकारी हों चाहे कर्मचारी हों, सभी से मेरी अपेक्षा भी होगी और मैं उनको आश्वस्त भी करना चाहता हूँ कि परिवार के मुखिया के नाते उनके सुख दुख को मैं हमेशा साथ रहूँगा, उनके हितों के बारे में भी मैं हमेशा ही सचेत रहूँगा। लेकिन उनसे भी मेरी अपेक्षा ये होगी, एक हमारा जो उससे ही बड़ा परिवार है, जो हमारा प्रदेश का परिवार है, जिसमें प्रदेश की पूरी जनता आती है, उसके लिए हम लोग सब मिल करके अधिक से अधिक काम करें। बहुत शुक्रिया सर, और बहुत बहुत आपको बधाई। और उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी में एक बड़े बदलाव के रूप में इसको देखा जा सकता है और माना जा रहा है कि RK तिवारी, जो कि नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं, एक विज़न के साथ उनको ये मौका दिया गया है, एक दायित्व दिया गया है, और उन्होंने भी इसको एक चैलेंज माना है कि उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं हैं, जो फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं सरकार की, उसको आगे ले जाना है। कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।